दोस्तों, अगर आप भी अपना इंस्टाग्राम पर पेज बना करके उससे पैसे कमाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। और अगर आप लोग पहली बार इस वाली वीडियो पर आए हो और आपको इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के बारे में कुछ भी नहीं पता, तब भी आप लोग इस वाली वीडियो को देखते रहो, बिकॉज आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर हम इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमा सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इंस्टाग्राम की एक ऐसी निश बताने वाला हूँ जिस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप लोग उस पर अपना पेज स्टार्ट करते हो तो आप लोग उसमें आसानी से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन होने के बावजूद भी उस पर ग्रो करना इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। मैं आपको कुछ ऐसे पेजेस दिखाने वाला हूँ जिन्होंने मात्र थोड़ी बहुत पोस्ट अपलोड करके अपने पेजेस पर हजारों में लाखों में फॉलोअर्स इंक्रीज करे हैं, एंड उन सबको दिखाने के बाद मैं आपको खुद भी बना करके दिखाने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से उस टाइप की पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो, जो पेजेस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो बने रही है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो हे गाइस, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल YT टैग पंकज में। तो चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ सके। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब गाइस, तो यहां पर आप सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम की लगभग हर एक निश पर बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बट कॉम्पिटिशन सिर्फ हमारे माइंड का खेल है, ठीक है ना। अगर हमने सोच लिया कि यार कंपटीशन इसमें ज़्यादा है, अगर हमने माइंड में ये ठान लिया तो हम वास्तव में हमें वो कंपटीशन ही लगेगा बहुत हार्ड, और हमने सोच लिया कि यार इसमें हम आराम से ग्रो भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ छोटी, मतलब वो अपने माइंड को पर डिपेंड करता है। ये छोटी बड़ी चीज़ ये कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने माइंड का खेल है। तो यहाँ पर देखो, ये एक पेज है जिसका नाम है महफिल ए पोएट्री। इस बंदे ने मात्र 703 पोस्ट अपने चैनल पर अपलोड करी है, एंड यहाँ पर फॉलोअर्स की बात करो तो यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा इस बंदे के फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको फ़ायदा किस चीज़ से मिला? सबसे ज़्यादा फायदा इसको मिला रील्स से, आप सभी जानते हैं। अब ये बंदा क्या करता है, रील्स इसकी खुद के नहीं होती हैं, ये दरअसल कोट्स को उठाता है, एक बहुत ही, मतलब आप लोग यहाँ पर एक कोट्स को सुन लो खुद ही, ठीक है ना। ये जो आपने अभी आवाज़ सुनी ना, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, क्योंकि ये अपने मतलब ये एक इंस्टाग्रामर हैं जो मतलब क्या करते हैं, शायरी वगैरह बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। अब लोग क्या करते हैं, इनकी शायरी को यूज़ करते हैं कहाँ पर, अपने पेजेस में, और रील वीडियो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखो, इन्होंने पोस्ट बना करके भी रखी हुई है, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करा, बहुत ही जल्दी बनाया गया चैनल है, मतलब पेज है, और बहुत ही तेज़ी से इन्होंने ग्रो करा है। अर्निंग करने का सिंपल सा सोर्स ये है कि यहाँ पर इनको भर भर के पेड प्रमोशन मिलते हैं, आप सभी खुद चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पर और भी बहुत सारे पेज हैं, जैसे कि ये एक पेज है जिसने 2485 पोस्ट डाली हुई हैं, और इस बंदे के यहाँ पर करीब 38,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। नॉर्मल सी पोस्ट यहाँ पर ये लोग बना बना कर अपलोड कर रहे हैं, आप लोग कैसे बना सकते हो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप लोग इन चीज के पोटेंशियल को समझो। कैसे तो को अगर आपके इंस्टाग्राम पर 10,000 रियल फॉलोअर्स है ना, तो आप लोग उन 10,000 रियल फॉलोअर्स से महीने का 10, 20, 25, 50,000 तक अर्न कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस रियल है या आपने कहीं से खरीदी है। रियल होगी तो आप लोग जनरली उससे बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये जो बंदा है ना, इसके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो ये महीने का आराम से 50,000 1 लाख इजीली तरीके से अर्न कर लेता होगा। यहाँ पर देखो, अगला एक पेज है जिसका नाम है गुलजार शायरी, 664 पोस्ट इन्होंने यहाँ पर डाल करके रखी हुई है, 77,000 इनके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। यहाँ पर देखो, नॉर्मल सी सिंपल सी पोस्ट है, आप लोग कैसे बना सकते हो अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये रील्स वीडियो कैसे बनाओगे ये भी आप सभी को बताऊंगा। अगला देखो, यहाँ पर ये एक पेज है, 900 पोस्ट डाली है, 8,000 रियल फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनके चैनल, जैसे कि ये चैनल है, ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, देखो एक तो इनकी पोस्ट एंगेजमेंट होती है, ठीक है ना, बाकी ये लोग क्या करते हैं कि इनके अदर भी बहुत सारे पेज वगैरह होते हैं, ये लोग उनसे अपना चैनल ग्रो कर लेते हैं। बाकी अगर आप एक नए बंदे हैं, पहली बार आए हो, तो आपको अपने पेज को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर एक पेज ग्रो हो गया तो आप लोग उससे अपने अदर पेजेस को आराम से ग्रो कर सकते हो। और एक पेज मार्केट में बहुत ही महंगा सेल होता है, ठीक है, आपको भी आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, एक ये पेज आ गया जिसने 2,610 पोस्ट यहाँ पर डाल करके रखी हुई है, और 6,79,000 इनके यहाँ पर फॉलोअर्स हैं। सिंपल सी पोस्ट है, आप लोग कैसे बनाओगे अभी आपको आगे बताऊंगा। और देखो, ये वाला पेज है, 308 पोस्ट, 12,500 सब्सक्राइबर्स, और सिंपल सी पोस्ट बना करके रखी हुई है। ये देखो, नॉर्मल से पोस्ट बनाई है, 274 पोस्ट डाली है, 25,000 इनके फॉलोअर्स हैं। और देखो ये देखो, 60,000 फॉलोअर्स, 172। ये सारी की सारी कौन सी निश है, शायरी, कोट्स हो गया, सैड शायरी हो गई, सब इसी पर ये बेस्ड है,
ये देखो 18,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर वो फॉलोअर्स हैं, सिंपल सी पोस्ट हैं। ये देखो ये पोस्ट हो गई, ये पोस्ट हो गई, इनके देखो 1,413 पोस्ट, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स, सिंपल सी पोस्ट डाल करके रखी हुई है। आप लोग कैसे बना सकते हो अभी आपको आगे बताऊंगा। ये देखो एक ये पोस्ट हो गई, इस पर देखो 8,217 फॉलोअर्स हैं, 286 पोस्ट हैं, नॉर्मल सी पोस्ट बनाई है, काफी अच्छे ठीक ठाक व्यूज भी इनको मिल रहे हैं। अगली पोस्ट देखो ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। देखो सिंपल सा प्रोसेस ये है कि अपने मोबाइल फोन में अगर मोबाइल का यूज कर रहे हो तो पिक्सल ऐप हो गया आपका, कैनवा हो गया, आप लोग इन एप्लीकेशन को क्या करो डाउनलोड कर लो। यहाँ पर मैं लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ तो मैंने लैपटॉप में कैनवा को मैं ओपन करूंगा। मैं यहाँ पर आकर के सर्च करता हूँ कैनवा। यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक पोस्ट क्रिएट करके रखी हुई है, भी बुआ पलक यहाँ पर देख लो। ये देखो ये मैंने एक पोस्ट क्रिएट करी है, मैं चाहूँ तो उसको एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पर ये सोचकर जो लिखा हुआ है इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं इसको पीला कर दूंगा। ये देखो इस तरीके से पीला हो गया, मुझे खुद चुपचाप को अगर खुद ही इसको भी सिलेक्ट करना है तो मैं इसको भी यहाँ पर पीला इस तरीके से कर दूंगा। और आप लोग यहाँ पर देख लो ये आपकी एक बेहतरीन पोस्ट बन चुकी है। यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम पेज का जो भी नेम दे देना है। अब बनाने किस तरीके से वो आप लोग यहाँ पर देख लो, इंस्टाग्राम ओपन करो, साइनअप वगैरह कर लीजिएगा, क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपके सामने आपकी जो इंस्टाग्राम की पोस्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। देखो जहाँ पर साइड में प्रो वगैरह लिखा हुआ होगा ना आपको उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि वो यहाँ पर पैसे वाले होते हैं, आपको उनको यूज नहीं करना है। यहाँ पर देखो आपको रिसेंटली पोस्ट में आपको देखो ये एक टेम्पलेट दिखेगा, आपको उसको चूज करना है, इसको ओपन कर लेना है। आप लोग इस पर क्लिक करके इस टेम्पलेट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, शायरी वगैरह लिखनी है, तो ये आपको कहाँ से मिलेगी, सिंपली क्या करना है गूगल पर जाओ, यहाँ पर लिखो दर्द भरी शायरी, या जो भी आपको यहाँ पर चाहिए वो आप लोग यहाँ पर लिख लो। मतलब दर्द भरी शायरी इन हिंदी, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स आ जाएंगे, किसी को भी ओपन कर लो और किसी भी शायरी को कहीं से भी कॉपी कर लो, ठीक है ना। और मतलब ये जो है यहाँ से कोई भी कॉपीराइट का इशू भी वगैरह आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसको इस तरीके से ओपन करना है। तो मैं इस पूरी शायरी को यहाँ से क्या करूँगा, एक सेकेंड ही सिलेक्ट हो जा फटाफट से, ये मैंने कर लिया, मैंने यहाँ से कॉपी करा, मैं गया यहाँ पर और मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरे को चूज करना है। यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर देंगे इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा हमारे इस तरीके से सेट हो गया। अब इसको हम जहाँ चाहें वहाँ अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। हमें इसका अगर कहीं पर कुछ इस तरीके से प्यार को अगर हमें कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमें नेम है वो यहाँ पर हम दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा इंस्टा। गाइस यहाँ पर मेरे यहाँ पर लाइट चली गई है, तो मेरा कैमरा भी थोड़ा वैसा हो चुका है, तो यहाँ पर देखो ये ऑफलाइन हो चुका है, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। ये ऑफलाइन इसलिए हुआ क्योंकि नेट मेरा बंद हो चुका है, देखो वाईफाई भी चला चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट द रेट, और यहाँ पर मैं क्या करना है, अपने पेज का जो भी नेम है वो यहाँ पर मैं देना है। तो फिलहाल अपने अपने ही यूज़र मेरा जो अकाउंट है उसका नाम देता हूँ, एंड इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर सेट कर देंगे किस तरीके से। और आप लोग चाहें तो यहाँ पर मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि ठीक तरीके से दिखे। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऊपर इसको पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको आप लोग यहाँ पर इस तरीके से ले आते। ये जो आपको दिख रहा है ये आप लोग हटा सकते हैं, अगर आपको ये तो ऐसा लग रहा है ये इस तरीके से आ जाएगा आपका, और ये आपका इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। इसको आप लोग यहाँ कहीं भी सेट कर सकते हैं। अब ये जो पोस्ट आपकी है ना, ये बिल्कुल जस्ट लाइक बिल्कुल पोस्ट इसकी तरह बन चुकी है, ठीक है। आपको अगर कहीं पर कुछ भी गैप वगैरह देना है तो आप लोग इसको चूज कर लो। एक सेकंड का यहाँ पर लाइट जा चुकी है, ठीक है, तो ये दिक्कत हो रही है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना, या डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपको लाइन का स्पेस दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके देखो लाइन का स्पेस दे सकते हैं इस तरीके से, ये आपको और भी खूबसूरत यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और आप लोग इसको जो है, ये आपका बोल्ड था, इसको आप लोग अनबोल्ड कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पर अनबोल्ड कर देता हूँ, और ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग मुझसे अच्छा क्रिएट कर लोगे, आई नो, ठीक है। बस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा इस तरीके से बन चुका है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आकर के इसको क्या करो, सिलेक्ट करो, डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड हो जाएगा। एंड आप लोग का करना है, अपने पेज पे जाकर के इसको अपलोड कर देना है। सो गाइस तो ये बहुत ही अच्छी निश है, जहाँ तक रिसर्च करी है, काफ़ी समय तक मैंने रिसर्च करी, काफ़ी सारे पेज ओपन करे, तो अच्छे लोगों की मुझे ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। तो आप लोग इसमें इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर वर्क कर सकते हो, एंड अगर आपका पेज एक बार ग्रो हो गया तो आप लोग उससे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।